दोस्तों 90% ऑप्शन ट्रेडर जो होता है वो लॉस क्यों करता है? सबके जहन में ये सवाल होता है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। देखो, आपको एक चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ढंग से समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो घटता क्रम है, डिक्रीजिंग वैल्यू। शुक्रवार को ट्रेड शुरू होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है निफ्टी की? लगभग 250 रुपये। और काम करने के 5 दिन, वीरवार को, नेक्स्ट वीक वीरवार को वो 5 पैसे पे जाके जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्लोजिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे फिर शुरू होता है शुक्रवार को। पर घंटे हमारे पास 5 दिन का वैल्यू निकालें तो 30 घंटे हैं। 30 घंटे को आप 5 दिन में डिवाइड कर दो, एक दिन में 6 घंटे वैल्यू निकल आएगी कि पर घंटे कितना लॉस माइनस में जाएगा। तो 250 रुपये जो है वो हर घंटे कम होता है भाई, उसी में हम वॉलेटिलिटी में कमाते हैं। 250 300 हो गया, 150 हो गया, फिर 150 से 20 हो गया, 20 से 100 हो गया, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना इसी के बीच में तो हम लगा के कमाते हैं। लेकिन एक्चुअल उसकी वैल्यू कम हो रही होती है भाई। आपने साइडवेज में देखा होगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर साइडवेज चलता है तो ग्राफ तो बढ़ता है लेकिन पैसा नहीं बढ़ता। समझ में आ रही है? सब्सक्राइब करके जाना।